यस माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको अपने ऑफिस रूम से ये बताया था कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा और कितने कवरेज करूँगा, ये तो तय बात है कि हमारे पास दो चीज़ मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, 25 इयर्स के नीट के क्वेश्चन जो AIPMT पहले हुआ करते थे, और दूसरी तरफ हो जाएगा हमारे पास एम्स की क्वेश्चंस को, वो भी 25 इयर्स का है। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेना ज़रूरी है कि किन किन फार्मूलाज को यूज़ किया जा सकता है। तो मैं तो अनुभव कर चुका हूँ कि किन किन फार्मूला को यूज़ किया जा सकता है, और जो फार्मूला का यूज़ किया गया उस क्वेश्चन में तो बहुत कम है। मैं उसकी कवरेज को थोड़ा और हाई लेवल ले जाता हूँ और वहाँ तक से आपकी फार्मूला को पूरी जानकारी देता हूँ। इसकी भी आप लोग एक पूरा चार्ट बना लेंगे और बस एग्ज़ाम जाने के पहले इसे बढ़िया तरह से आपको याद रखेंगे, ताकि इसकी यूज़ होने ही वाला है हमारे पास। चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं। आपका हेडलाइंस पर लिखा हुआ बेसिक फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, फर्स्ट फार्मूला दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्यू इक्वल टू एन ई। एन क्या है? इंटीजर। एन इज इंटीजर, नंबर हो सकता है, काउंटेबल 1, 2, 3 लाइक दैट हो सकता है। ई क्या हो सकता है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। मतलब कोई भी अगर चार्ज होगा तो इसके प्रोपोर्शनल में होगा, इसकी जब जरूरत होगी मैं न्यूमेरिकल में समझा दूंगा। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, बहुत सिंपल है, आप लोग ने कई बार पढ़ा होगा कि अगर दो कोई चार्जेस हैं एंड लेट अस कंसीडर दिस इज Q1 एंड Q2, दोनों के बीच में अगर फोर्स लग रहा है, लेट अस कंसीडर 1 एंड 2 एंड दे आर सेपरेटेड बाय r डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर, ये क्या होगा? पॉइंट चार्जेस है, बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। माइंड इट, ये फार्मूला वैलिड होते हैं केवल पॉइंट चार्जेस के लिए। तो इसके लिए कौन सा बेसिक फार्मूला हो जाएगा? 1/4πε₀ प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस Q1 Q2 एंड डिस्टेंस का स्क्वायर, ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया इसका। और अगर वेक्टर फॉर्म में कहेगा तब क्या करेंगे? तो 1/4πε₀ Q1 Q2, इसे आप RQ कर दीजिए और यहाँ पर एक वेक्टर लगा दीजिए। व्हाट इज दिस वेक्टर? इस वेक्टर के बारे में हम लोग अगर यहाँ पर हम लोग ठीक दिया हुआ, अगर हम लोग इसको दूसरे फॉर्मेट में लिखें तो ऐसे भी लिख सकते थे, 1/4πε₀ Q1/Q2, यहाँ पर आर स्क्वायर करते हुए वेक्टर को अगर उसके मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो दैट इज़ हमारा पॉइंट्स हो गया। ये आर वेक्टर का किस दिशा में होगा? जिस दिशा में उसकी फोर्स लगेगी। जैसे अगर ये 1, 2 कर दें तो यहाँ पर भी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 से 2 की दिशा में हो जाएगी, ये वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। ये फोर्स लगा 1, 2 पर, इस पर क्या लगेगा? फोर्स 2, 1 पर। इन दोनों का नेचर क्या होगा? फोर्स 2, 1 इज इक्वल टू इक्वल फोर्स 1, 2, इक्वल एंड अपोजिट, एक फोर्स इस साइड दूसरे फोर्स। तो ये फॉर्मूलाज को आपका यूज कर सकते हैं, जबकि ये किस स्थिति में है? ये वैक्यूम की केस है। चलिए इसके बाद आ सकता है एक और फार्मूलाज आ सकता है कि अगर इन्फिनाइट वे में पूरा दोनों के बीच में वैक्यूम ना होके कोई मीडियम से घिरा हुआ हो, जैसे मान लिया जाए कि इससे चारों तरफ से किसी मीडियम ने K घेर लिया, अब ये Q1 एंड Q2 चार्ज है, तो वॉट इज दिस? K क्या है? डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है। K का वैल्यू क्या होगा? आप याद रखेंगे, दिस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। वॉट इज दिस वैल्यू? अब फोर्स कितना हो जाएगा? ये K टाइम्स घट जाएगा, 1/4πε₀ के जगह पर K ε₀ हो जाएगा, इंटू Q1/Q2/r². दिस इज द फोर्स। नाउ व्हाट इज K? एज रिटन डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, K इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 फॉर एनी मीडियम, किसी भी मीडियम के लिए K का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है, एंड K इज इक्वल टू इन्फिनिटी फॉर मेटल या कंडक्टर कह सकते हैं, एंड K इज इक्वल टू 1 फॉर वैक्यूम और एयर। ये बात याद, उसी के हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये फोर्स की वैल्यू होगी, अगर कोई डायलेक्ट्रिक डाल दे तो ये F' हो जाएगा, कितना फोर्स हो जाएगा? F वैक्यूम के लिए डिवाइडेड बाय K, और हम देख सकते हैं कि फोर्स डिक्रीजेस, कोई भी मीडियम को डालिएगा फोर्स डिक्रीज कर जाएगा, और अगर हमने कोई यहाँ पर मेटल डाल दिया फोर्स एकदम से वैनिट हो जाएगा, के इन्फिनिटी करेंगे फोर्स खत्म हो जाएगा। और फोर्स क्या है? वेक्टर है, तो फिर वेक्टर्स की एडिशंस को भी आपको जानना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। छोटी सी बात है, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? वेरी सिंपल, अगर किसी पॉइंट पर फोर्स निकालना है तो आप इस तरह से करते चले जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया? जैसे मान लीजिए कोई ये पॉइंट है और यहाँ पर कई चार्ज दिया हुआ है, एक चार्ज है, दूसरा चार्ज है, तीसरा चार्ज है, यहाँ पर आपको निकालना है इस पर कितना फोर्स लगेगा, ये कौन सा चार्ज है, Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, तो कैसे निकालेंगे?
ये फोर्स हो जाएगा F1, इस फोर्स के नाम क्या देंगे F2 हो जाएगा, और इस फोर्स का नाम क्या देंगे, और आपको मैं न्यूमेरिकल में समझा दूंगा कि इसका कैसे हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं बाय द मेथड्स ऑफ सिंपल। हम लोग दो कंपोनेंट्स लेंगे, उसे दो कंपोनेंट्स एक्स वाई जेड में इसे डिवाइड कर देंगे, और कंपोनेंट्स के द्वारा हम लोग इसकी कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये हम न्यूमेरिकल्स में आपको समझा देंगे, आपको बेसिक ये बातें समझना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू गिवन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू गिवन चार्ज, ये फॉर्मूला का लिस्ट है, आप भी हम समझते हैं आप लोग भी बना लेंगे तो अच्छा रहेगा, बीच बीच में पॉज करके आप इसे लिखते चले जाएंगे। सपोज के लिए कोई पॉइंट चार्ज है और यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, दिस पॉइंट पर कैसे निकालेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंपल इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon, वो जो खुद चार्ज है और ये डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इजिली निकल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या हो सकता है, 1/4 pi epsilon, इसकी वैल्यूज को आप लोग ये लिख सकते हैं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, 9 × 10⁻¹, इसके लिए आ जाएगा हमारे पास न्यूटन कूलम पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन यहाँ पर आ जाएगा, ये पूरा चार्ज हमारे पास आ जाएगा, इसको अगर ले ले तो यस फोर्स के लिए आता है न्यूटन कूलम पर मीटर, ठीक है, इसकी वैल्यूज को हम लोग नोट कर लेंगे, दैट इज पॉइंट। कभी कभी इसकी वैल्यूज को डायरेक्ट यूज किया जाता है, उसमें हमारे पास आ जाएगा, और अगर कई पॉइंट चार्ज के कारण निकालेंगे तो यहाँ भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का ही प्रयोग करेंगे, E1 + E2 + करते हुए अप टू EN तक चला जाएगा, आसानी से निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण निकालना है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज के कारण, ये फॉर्मूला तो हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पर चलिए, अब हमारे पास क्या आ सकता है कि किसी रिंग के कारण, अक्सर मैं देखा हूँ कि रिंग के कारण बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, आपको तो एकदम याद ही कर लीजिएगा, ये बेसिकली एकदम मेमोरी में डालिए, इससे कोई रिंग है जिस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज क्यू है, एंड लेट अस सपोज रेडियस इज आर एंड इट इज सेंटर, आपसे पूछेगा कि इसी इसके एक्सियल पॉइंट पर जो पी पॉइंट पर है, एक्स दूरी पर है, बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इस रिंग चार्ज के कारण जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पी पॉइंट वेरी सिंपल, 1/4 pi epsilon naught क्यू, और ये जो डिस्टेंस है मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइडेड बाई उसकी रेडियस है R² + X² 3/2, ये फॉर्मूला आप इससे याद रखिएगा। इससे आपको क्या जानकारी मिलता है कि यहाँ पर जैसे जैसे आप आगे सपोज कीजिए X = 0, क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, और जब आप बहुत दूर में चले जाइएगा इन्फिनिटी पर चले जाइएगा तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कैसा हो रहा है, व्हाट इज द वेरिएशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आप जैसे जैसे दूर जाते जाते हैं सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया यहाँ पर 0 है, उसके बाद क्या होगा ऐसे करके ये वेरी करता है। ध्यान दीजिएगा किसी खास पॉइंट पर ये डिस्टेंस जो r हो जाएगा दैट इज R/√2, इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम, यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा। और उसी तरह से अगर आप इस साइड रिवर्स में भी आइए तो इसी ऑर्डर को ले लीजिए, इन्फिनिटी पर एक बार फिर 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा E = 0 व्हेन r टेंड्स टू इन्फिनिटी, इस साइड भी हो जाएगा E → 0 व्हेन r टेंड्स टू -∞ हो गया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चे लोग ध्यान देंगे, दिस इज द ई मैक्सिमा, और यहाँ पर भी R = क्या हो जाएगा R/√2। ये ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है और टेक्निकली भी इंपॉर्टेंट है। लेट अस सपोज अगर हम ये कहते हैं X is a very small कंपेयर टू R, अब बताइए क्या हो जाएगा, वेरी सिंपल, नाउ व्हाट इज EX 1/4 pi epsilon naught QX तो रह जाएगा यहाँ पर है, और इस दोनों में क्या हो जाएगा X is a very small, मतलब ये X को हटा देंगे, R² कट जाएगा, R³ हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, इस बात को ध्यान दीजिएगा, किस बात के लिए, जब ये जो एक्सियल लाइन है ये जब छोटा हो जाएगा उसके आर डिस्टेंस, आर क्या है इसके रेडियस है, मैं समझता हूँ आप इसे बढ़िया से पकड़ लिए होंगे। नाउ व्हाट इज अ पोटेंशियल, कभी आपसे पूछेगा इसके कारण पोटेंशियल क्या होगा, तो पोटेंशियल का जब चैप्टर बताएंगे उसी समय बता देंगे, अभी यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए छोड़ देता हूँ, इसके लिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि भैया आप ये फुल रिंग का तो पढ़ लिए, हाफ रिंग का क्या करेंगे हम लोग, अगर कभी क्वेश्चन आ जाए, जैसे ये मान लीजिए हाफ रिंग ले लिए, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, एंड दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, मान लीजिए इसके ऊपर क्यू चार्ज है, रेडियस आर है, अब यहाँ पर आपको एक्सियल नहीं पूछेगा, जब भी पूछेगा तो इसके सेंटर पर पूछेगा, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स सेंटर, क्या करेंगे याद कर लीजिए 4 pi epsilon naught × r, ये फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड की टर्म बात कर रहा है, और ये किस दिशा में हो जाएगा, दैट इज EX कौन सा है, ये वाला हो जाएगा, दैट इज EX, ये दोनों सिमिट्री है इसलिए Y कैंसिल हो जाएगा, EX का हो जाएगा। नाउ व्हाट इज दिस लैम्डा, व्हाट दिस लैम्डा इक्वल टू टोटल चार्ज, कितना टोटल चार्ज है Q, और टोटल लेंथ कितना हो जाएगा 2 pi r, पूरा रेडियस सर्कमफेरेंस होता है, ये कितना वैल्यू है
पाई आर, दिस इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। बढ़िया से आपने पकड़ लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज इक्वल टू लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, आप आराम से निकाल। लेकिन किसी दूर वाले पोजीशन के लिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। अब अगर आप ये बात कीजिए कि चलिए आपके पास एक काम कीजिए कि आपके पास पूरा नहीं पोर्शन आ गया आपका, ये देखिए अब आपको थोड़ा सा पोर्शन आ गया, यहां से ले लीजिए, ये इसकी आर हो गया, ये पोर्शन पूरा नहीं कंप्लीट कर पाया, ये यहीं तक हो पाया और ये यहां तक हो पाया। लेट अस सपोज इट इज अल्फा एंड इट इज ए बीटा, पर्टिकुलरली आप ये ले लीजिए। अब आपको निकालना है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स सेंटर, आप क्या कीजिएगा, करना क्या है, वही फॉर्मूला लिख पा लेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, ई एक्स हो जाएगा। अब चूंकि अल्फा और बीटा बराबर नहीं है, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, तो ई वाई कंपोनेंट कैंसिल नहीं होगा। इस केस में मान लीजिए अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, इसका मतलब ये वाला पोर्शन ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो डोमिनेट कौन करेगा, ये वाला इधर करेगा, ये इधर करेगा, डोमिनेट ये पोर्शन करेगा, इसका मतलब ई वाई नीचे चला जाएगा। और इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, दिस इज द रिजल्टेंट। इस रिजल्टेंट का जो एंगल होगा, लेट अस सपोज थीटा, तो यहां पर इस कंडीशन के लिए व्हेन अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, अगर बीटा ज्यादा बड़ा होता अल्फा से तो ऊपर खींच लेता। नाउ व्हाट इज ई एक्स फॉर्मूला, मजेदार फॉर्मूला, वही फॉर्मूला आप याद कीजिए। क्या फॉर्मूला इसका याद कीजिएगा, आप ध्यान से देख लीजिएगा, लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आप इसे याद कर लीजिएगा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। फॉर्मूला आपके पास अस्त्र के समान काम करता है, ये आपका सबसे बड़ा ताकत रहता है। एंड व्हाट इज ई वाई, याद कर लीजिए, इसमें लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। अब अगर आप सोचिए कि ये अल्फा इक्वल टू पूरा 90 हो जाए और बीटा 90 हो जाए, क्या हो, ये 90 ये 90 का मतलब साइन 91, ये भी 1, दो हो जाएगा, दो से ये कटेगा, लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, एक मिनट थोड़ा सा मैं आपने बता दूं कि यहाँ पर हाफ के लिए 2 पाई कर लीजिएगा, लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्योंकि उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाया। फिर से देख लीजिए, ये अगर अल्फा इक्वल टू 90 और बीटा भी 90 हो जाए तो साइन 91 हो जाएगा, साइन 91 हो जाएगा, 112 कटेगा, ये हमारा सेटिस्फाई, बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है हमारा। अब ये हो गया रिजल्टेंट, थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, मान लीजिए आपसे थीटा पूछा, व्हाट इज टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, ये कंपोनेंट ई वाई डिवाइडेड बाई ई एक्स, ई वाई बाई ई एक्स निकालिए, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ठोक दीजिए, आपका काम खत्म। चलिए इससे भी हम लोग निजात पा लिए कि इस सर्कमस्टांसेस में हम लोग कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके कारण, इस तरह से रिंग के पास। अब आप सोचिए कभी ऐसे परीक्षा में आ जाए, अरे भैया आ सकता है परीक्षा में, ये पॉजिटिव रहे, सोचिए ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, अरे भाई इसके कारण क्या होगा, आप ध्यान से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर चला गया, इसका ऐसे, और इसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज इधर खींचेगा, इसलिए इस दोनों का वैल्यू, दोनों एंगल बराबर हो जाएगा, तो इसका ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट कैंसिल और रिजल्टेंट किधर हो जाएगा, दिस इज द ई रिजल्टेंट। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, जेई में ऐसा पूछा है, आप लोगों के मेडिकल में तो कम ही चांस बनते हैं, जितना भी थ्योरी पढ़ा है मेडिकल में बहुत कम चांस बनते हैं, ये तो हमने जनरली आईआईटीज वाले को बताते हैं, लेकिन अभी चूंकि आपका क्लास एक्सक्लूसिवली नीट के लिए ही पढ़ा रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा आप लोग हल्का सा देखते हुए चले जाइएगा कि अगर आपके पास लॉन्ग लाइन चार्ज है, सपोज कीजिए दिस इज द लॉन्ग लाइन चार्ज, ये इन्फिनाइटली लॉन्ग है, ये भी इन्फिनाइटली लॉन्ग है, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कह सकता है एट ए गिवन पोजिशन, लेट अस सपोज इट इज आर डिस्टेंस पर है, या एक डी डिस्टेंस, या एक्स डिस्टेंस ही ले लीजिए, एक्स डिस्टेंस है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, तो आपको याद होगा कि लॉन्ग लाइन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, दैट इज लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर एक्स है तो एक्स कर दीजिए, याद ये आपको अच्छी तरह से आ जाता होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, आपको ऐसे करके याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एक्स है, डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे करके जाएगा, और इस साइड कैसे चला जाएगा, अगर हम लोग इस साइड आ जाए, दैट इज अ माइनस एक्स में आ जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी माइनस सी में आ जाएगा, एंड दैट इज दिस फॉर्मेट, तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, लैम्डा का मतलब क्या हो गया, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ, चूंकि इन्फिनिटी है इसलिए इसमें यही वाला वैल्यू हो जाएगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, क्योंकि ये इन्फिनिटी है इसलिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम दिस ई एक्स हो जाएगा, इसमें ई वाई की कोई जरूरत ही नहीं है, और वो बेसिक फॉर्मूला, गॉट इट, आप इसे बढ़िया से, किस चीज़ को निकालें, इलेक्ट्रिक फील्ड डी टू लॉन्ग लाइन चार्ज, ये क्या फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण बच्चे लोग, ड्यू टू लॉन्ग लाइन चार्ज, इसकी डेरिवेशन भी है लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उसको इससे क्या मतलब। अब आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फिनाइट लेंथ, फिनाइट लेंथ, जैसे मान लीजिए कहा जाए कि दिस इज द, इसकी लैम्डा दिया हुआ चार्ज पर यूनिट लेंथ, टोटल चार्ज टोटल लेंथ, अब आपसे कहता है कि बताइए यहां पर एक्स पर आपके पास फिनाइट लेंथ है, फिनाइट लेंथ का मतलब हो गया ये अल्फा है
और ये बीटा है, अल्फा बीटा और एक्स दिया, तो ये लेंथ तो निकल गया। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पी पॉइंट? वेरी सिंपल, ई एक्स इक्वल टू क्या कीजिए, लैम्डा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और वही जो सर्कल वाला जो फॉर्मूला था साइन अल्फा साइन बीटा का प्रयोग कर दीजिए। वेरी, इससे क्या हो जाएगा, अगर 90 अगर मान लीजिए इन्फिनिटी है तो अल्फा भी 90 बीटा भी 90, ये कटेगा, बेसिक फॉर्मूला सेटिस्फाई कर देगा। और ई वाई कितना होता, बेसिक एक बार फिर से, ई वाई एप्सिलॉन नॉट दिस इज कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, ये वाली बात हो जाएगी। अगर ये वाला लेंथ बड़ा है, मान लीजिए ये बड़ा है ये छोटा है, तो रिजल्टेंट किसके चला, इधर चला जाएगा, एक इधर, इसका एक्स इधर हो जाएगा और वाई की साइड आ जाएगा ई वाई इधर। कब के लिए हो जाएगा ये, डोमिनेट कौन करेगा, यस व्हेन अल्फा इज ए ग्रेटर देन बीटा, अल्फा ग्रेटर बीटा देगा तो ये वाला आपके पास आ जाएगा। इस बात को, ये किस चीज़ के लिए है, अल्फा बीटा और जब एक्स दिया रहेगा आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, दिस ड्यू टू ए गिवन फिनाइट चार्ज। चलिए बढ़िया, हम मानते हैं कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के कई फॉर्मूलाज आपके पास आ चुके हैं। एक और भी, कभी कभी ये भी आ जा सकता है, जेई लेवल में ज़्यादा पूछता है, लेकिन आप भी क्यों जेई से कम समझिए, अपने आप को अलर्ट रखिए। हालांकि क्वेश्चन का रेंज उसमें नहीं जाता है, लेकिन फिर भी अलर्टनेस में कमी नहीं। एक्स इक्वल टू पी, आपका पास क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसकी दिया वो सरफेस चार्ज डेंसिटी, जब एरिया रहेगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, अब उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट इज याद रखिएगा सिग्मा बाई टू इप्सिलॉन नॉट वन माइनस कॉस थीटा। ठीक है, थीटा कहाँ से आ गया, इसमें आ गया यहाँ से आ जाएगा, ये डिस्टेंस को थीटा कहते हैं और इस एंगल को भी, दोनों को एंगल को थीटा, ये कोई इमेजनरी लाइन है, ऐसा नहीं है कि ये क्या है, डिस्क है। व्हाट इज दिस डिस्क, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। अब आपको उसके पास कहां पर पूछ रहा है कि किसी एक्स डिस्टेंस पर बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एक्स एज ए पी पॉइंट। ना आप सोच सकते हैं कॉस थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, गेस कीजिए, कॉस थीटा बेस, बेस एक्स है, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ये डिस्टेंस हो जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर अंडर रूट, इसकी वैल्यूज को पुट कर दीजिए, ये बेसिक फॉर्मूला हो गया। तो डिस्क वाला भी है, आप अलर्ट रहिएगा, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ चुका है। इलेक्ट्रिक फील्ड कभी कभी आपको ऐसे भी पूछ सकता है, चलिए इसके बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मान लीजिए कहेगा आपके पास कंडक्टिंग बॉडी है, दिस इज कंडक्टिंग बॉडी, इसमें सिग्मा दिया हुआ सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, या क्यू और आर दिया हुआ है, Q और R है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर चार्ज पर यूनिट एरिया। अब यहां पर का सरफेस पर का कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, E एट P, दैट इज E एट P इक्वल टू 1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके ऊपर चार्ज मान लीजिए Q, Q और डिस्टेंस जो रेडियस का है R स्क्वायर, इसको क्या आप ऐसे लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू, क्यू 4 पाई स्क्वायर, दैट इज सिग्मा इप्सिलन नॉट। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा, और ये डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्मल टू द सरफेस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर निकलेगा, ऐसे 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 सब निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो, क्योंकि कोई चार्ज नहीं अंदर। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा जाएगा, अगर आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर हम लोग इसकी पोजिशन ले लीजिए, आर इक्वल टू आर है, तो ये कैसा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, आप देख सकते हैं अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, टॉप सर्फेस पर मैक्सिमम हो जाएगा ब्रोकन लाइन के द्वारा, और ये ऐसे हो जाएगा, दैट इज ए इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, और जब आर लेस देन कैपिटल आर है तब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो, और ये दोनों साइड ऐसा होगा, इधर भी आप वैसा ही ले गए, ये जीरो हो जाएगा और ये ऐसा, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कौन सा सर्फेस है, कंडक्टिंग स्फेयर, कंडक्टिंग स्फेयर को आप सेल भी कह सकते हैं, दोनों सेल है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पर आइए इलेक्ट्रिक फील्ड, अब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है जहां पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, दिस इज नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। अब पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कहां पर, इसके रेडियस आर ले लीजिए, आपको कुछ दूरी पर पूछ रहा है, एट एक्स, कब के लिए, व्हेन एक्स इज लेस देन आर, व्हेन एक्स इज लेस देन आर एंड दिस इज द पी पॉइंट, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसके लिए फॉर्मूला, ई इज इक्वल टू 1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज क्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाई आर क्यू, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको इसमें क्या नजर आ रहा है कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन आर, जब इन साइड में है, पॉइंट इज इन साइड, और जब बाहर में चले जाएगा तो क्या होगा, बहुत सिंपल है, ये आउटसाइड के लिए क्या हो जाएगा, तब आपको कुछ सोचना थोड़ी है, सारा चार्ज कंसंट्रेट कर दीजिए एक पॉइंट पर और रेडियस आर, खेल खत्म।
लेकिन अगर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन आप कहेंगे कैसा इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या कीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये आर हो गया, यहाँ से इसकी लाइन को ड्रॉप कर लीजिए, स्ट्रेट लाइन के कारण ऐसे हो जाएगा, क्योंकि जब एक्स की वैल्यू जीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। खेल खत्म। इस साइड भी उसी तरह करेंगे, बाएं दाएं दोनों बराबर होता है छोड़ते चलते हुए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आपने निकाल लिया, बहुत सारे सेक्शंस का आ गया, अब इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हुए दूसरे पॉइंट पर आइए, अब हमारे पास पोटेंशियल ले लीजिए, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट, पोटेंशियल ड्यू टू अ गिवन पॉइंट, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, दिमाग में जोड़ दीजिए, याद आ जाएगा आपको, पढ़े हैं अभी हाल फिलहाल में। यहाँ पर अगर क्यू चार्ज है आर डिस्टेंस पर है तो पोटेंशियल क्या होता है, 1/4 pi epsilon, जिसे के भी कह सकते हैं, क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल आर है तो आप याद रखना, दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। इसलिए कभी भी टोटल निकालना रहेगा, भी टोटल क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे पॉइंट चार्ज है तो V1 + V2 + करते हुए जितने भी रहेगा पड़ जाएगा, तो दिस इज पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल दूसरे चीज के लिए पूछे, पोटेंशियल किसी रिंग के कारण कितना होगा, अगर ये पूछा गया तो यस, अच्छी क्वेश्चन सर। मान लीजिए रेडियस इसकी आर है, एक्स डिस्टेंस पर आपसे पी पॉइंट पर पोटेंशियल पूछा, ये क्या है, चार्ज है, क्या कीजिएगा, इसे मिला दीजिए, ठीक है, यहाँ पर की दूरी कितना हो जाएगा, तो दैट इज आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर अंडर रूट, नाउ व्हाट इज द वी एट पी, 1/4 pi epsilon, चार्ज कितना है टोटल क्यू और डिवाइडेड बाई स्लैंट लेंथ, ये लेंथ कितना है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ सपोज कीजिए सेंटर पर कितना हो जाएगा, वी एट सेंटर, पकड़ लीजिए, जल्दी पकड़िए, पकड़ लीजिए, यस पकड़ लीजिए, 4 pi epsilon naught q, x की वैल्यू को जीरो पुट कीजिए, आप सेंटर ओ पर आ गए, क्योंकि सेंटर ओ पर हमने ले रहे हैं, x को जीरो कीजिए, r का स्क्वायर का अंडर रूट कीजिए r, तो दिस इज जस्ट लाइक ए पॉइंट चार्ज। तो रिंग के लिए दोनों आ गए हमारे पास, नेक्स्ट पढ़ते हुए हम लोग, अब आपके पास आ सकता है पोटेंशियल ड्यू टू, हम लोग एक ले लीजिए कि आपके पास कोई कंडक्टिंग स्फीयर आ गया, इस तरह से नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, हालांकि ये बहुत कम आता है लेकिन फिर भी बी रेडी, इसकी रेडियस आर है और अंदर का रेडियस मान लीजिए छोटा सा आर हो गया, ना व्हाट इज द पोटेंशियल, इसको याद कीजिएगा, पोटेंशियल कब, किसी खास पॉइंट पर ले लीजिए, जब हम लोग स्मॉल आर लेते हैं तो पोटेंशियल अंदर में कितना हो जाएगा, ये जनरल फॉर्मूला पहले लिख लीजिए, तो दिस पोटेंशियल इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught, दैट इज क्यू बाई आर क्यू इंटू 1.5 r² - 0.5 r², आप पकड़ सकते हैं क्या हमने लिखा, पोटेंशियल मान लीजिए सेंटर पर लेना है, तो सेंटर के लिए आपका आर कितना हो जाएगा, सेंटर के लिए आर जीरो हो जाएगा, तो पोटेंशियल एट सेंटर कितना हो गया, ये है क्या, व्हाट इज दिस गिवन नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, और इसके अंदर टोटल चार्ज दिया हुआ है क्यू, इसके अंदर क्यू क्या है, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज, उसके हिसाब से ये लिखा हुआ, आर क्या हो गया, रेडियस हो गया, और स्मॉल आर जो है इन साइड में, तो व्हाट इज द पोटेंशियल एट सेंटर कितना हो गया, पकड़ लीजिए इसको, दैट इज क्यू बाई आर क्यू, पकड़ लीजिए कितना हो सकता है, सेंटर के लिए आर का वैल्यू क्या कीजिएगा, स्मॉल आर जीरो पुट कीजिए, तो ये क्या हो गया 1.5, दैट इज 3/2 एंड दिस इज आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर काटिए आ गया, तो आपके पास इसकी पोटेंशियल की डिस्ट्रीब्यूशन कीजिएगा तो कैसा जाएगा, यहाँ पर आ जाइए, सबसे ज़्यादा वैल्यू कितना आ गया, इस पॉइंट पर आ जाएगा, और इसके बाद आइए क्या होगा, ये ऐसे करके जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ऐसे आर इक्वल टू आर, इस पॉइंट पर पोटेंशियल ये किसके किसके बीच है, वी और आर के, यहां पर पोटेंशियल कितना आ गया, मैक्सिमम, और वो मैक्सिमम क्या है, 3/2 q 4 pi epsilon naught r, और यहां पर कितना हो जाएगा, व्हेन स्मॉल आर इज इक्वल टू आर, व्हेन स्मॉल आर इक्वल टू आर, वी जीरो कितना हो जाएगा, वहां आर को जीरो पुट, सॉरी इस स्मॉल आर को कैपिटल आर पुट कीजिए, तो इसमें से घटेगा 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 × 1/4 pi epsilon naught, दिस इज क्यू बाई आर, तो ये घट जाएगा, दोनों में बड़ा कौन हो गया, ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया, सरफेस पर कितना हो जाएगा, 1/2 q 4 pi epsilon naught q/r, और जब r इन्फिनिटी हो जाएगा, बहुत दूर की मामला हो जाएगा, तब पोटेंशियल इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ये भी पढ़ लीजिए, ये भी मेडिकल्स के लिए तो एकदम नहीं है, हाई लेवल के लिए, लेकिन अभी आप एकदम हाई पर फॉर्मूला को देख लीजिए, एक भी सवाल बात है हमारा 180 में 165 प्लस लाने की है, तो फिर कटौती नहीं करना, जीत सुनिश्चित करके ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो पोटेंशियल भी हम लोग माने हो गया, लेकिन देर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मस्ट हैव ए डायरेक्शन, दैट इज डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स इंटू आई, व्हाट इज द ई वाई इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई जे, एंड व्हाट इज ए ई जेड, डेल कहते हैं हम लोग, डेल्टा ना कह के डेल वी
बाई डी जेड इंटू के. सो वॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल कितना हो जाएगा? वेरी सिंपल, दैट इज ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड आप निकाल लीजिएगा. तो कभी भी अगर आपको भी दिया रहेगा, सपोज के लिए भी इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई, सपोज कीजिए दिया हुआ, आपको ई पूछ रहा है ई एक्स कितना हो, आप क्या करेंगे? तो दिस डी भी माइनस साइन पुट करेंगे और यहाँ डी एक्स करेंगे, तो माइनस डी भी के जगह पर क्या पुट करेंगे? एक्स स्क्वायर डी एक्स. यहाँ पर क्या शो करता है कि आपका एक्स ही वेरिएबल और वाई कॉन्स्टेंट है, तो वाई का बाहर का रास्ता दिखाइए वाई, और ये क्या हो जाएगा? टू एक्स. अब एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर देंगे कोऑर्डिनेट के हिसाब से, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स निकल जाएगा. उसी तरह से ई वाई भी और ई जेड भी निकालेंगे. तो एक तरीका ये हो गया. कभी कभी क्या रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहेगा, पोटेंशियल निकालना रहेगा, तब क्या करेंगे हम लोग, इसको डी वी के फॉर्म में लिखिए, तो डी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई डी एक्स हो जाएगा. ऑफकोर्स डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा माइनस साइन के. इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन में कहाँ से कहाँ जाएगा? ई जो फंक्शन ऑफ एक्स रहेगा, ये आपको दिया रहेगा, तो एक्स की वैल्यू पुट करेंगे. स्टार्टिंग में एक्स कहाँ पर रहता है? फ्रॉम इन्फिनिटी टू किसी गिवन पोजिशन आर, और जब ये इन्फिनिटी रहेगा तो वहाँ पोटेंशियल जीरो रहेगा और विथ निगेटिव साइन है. इसको आप इंटीग्रेट कर देंगे, आप किसी भी समय पोटेंशियल निकाल सकते हैं जब फील्ड दिया रहेगा. ये भी थोड़ा हाई लेवल का है, लेकिन ये मेडिकल में टच करता है, इसकी हाई लेवल इतना नहीं है कि नीट से बाहर चला जाएगा ये. और ये सबको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप आराम से सबको नोट कर रहे होंगे, और जब हम सॉल्व करेंगे इसके पूरे नीट के क्वेश्चंस को, तो आप उस पर आराम से देख सकते हैं. अब हम लोग पोटेंशियल के बाद आ जाइए, पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज सिस्टम मतलब क्या हो गया? सपोज के लिए दो चार्ज आपके पास दिए हुए, दिस इज क्यू वन एंड दिस इज क्यू टू आर, वॉट इज पोटेंशियल एनर्जी? 1/4 pi epsilon naught product of the two charges and the separation distance. It is also a scalar. मान लीजिए आपके पास कई चार्ज दिया हो, जैसे इसको केस ले लीजिए, पूछा इस सिस्टम का बताओ क्या होगा, दिस इज Q1, Q2, Q3, Q4. आपने यहाँ पर कितना हो जाएगा, आपको लगेगा चार होगा, एक दो इसके कारण, इसके कारण, इसके, लेकिन नहीं, ये भी एक हो जाएगा, ये भी इसका, इसका टोटल सिस्टम क्या हो जाएगा? U इक्वल टू ड्यू टू 6 हो जाएगा. तो इसके लिए कैसे पहचानेंगे कितना सिस्टम होगा? तो कैपिटल N इक्वल टू N N माइनस 1 बाई 2. इसमें देखिए N की वैल्यू को 4 पुट कीजिए तो कितना हो गया? 4. यहाँ पर पुट कीजिए 4 माइनस 1 2, 2 से 2 कटा, 4 में से 3, 3 दूनी 6, 6 आ गया. मान लीजिए ट्रायंगल है तो कितना सेट होगा? N इक्वल टू क्या हो जाएगा? N N N माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2. N के जगह पर 3, 3 माइनस 1 2, 2 से 2 कट गया, 3 हो जाएगा. तो 3 सेटअप में जाएगा. आप पोटेंशियल भी समझ गए, पोटेंशियल एनर्जी भी समझ में गया. निगेटिव रहेगा तो निगेटिव साइन लेंगे, पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव साइन लेंगे, ओवर होता चला जाएगा. इसके बाद आता है डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल. इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत आसान सी बात है. डाइपोल का मतलब क्या होता है ये देखिए, माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज को जोड़ दीजिएगा तो ये डाइपोल मोमेंट कहलाएगा और ये डाइपोलिक एक्सिस कहलाएगा. सपोज के लिए दोनों का डिस्टेंस डी है तो पी का वैल्यू क्या हो जाएगा? एक का चार्ज क्यू है और दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है, तो दिस इज डाइपोल मोमेंट. इसकी यूनिट क्या हो जाएगा? एक को आप देख सकते हैं कूलम और दूसरा मीटर है, तो कूलम मीटर डाइपोल मोमेंट हो गया, दिस इज द डाइपोल मोमेंट. अब इसके बाद पूछता है कि इस पर कितना टॉर्क लगता है और पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा. जैसे कोई डाइपोल ऐसे ले लीजिए, दिस इज माइनस क्यू प्लस क्यू हो गया, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये एंगल थीटा है. तो आपसे पूछेगा कि आप ये बताइए इस पर टॉर्क कितना लगे, आप क्या कीजिएगा? पी क्रॉस सी, दिस इज टॉर्क, मतलब टॉर्क इक्वल टू पी साइन थीटा. व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन पी एंड ई. ये डायरेक्शन क्या है? पी का, और ये डायरेक्शन क्या है? ई का. तो टॉर्क निकल जाएगा. आपसे पूछेगा पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा. पोटेंशियल एनर्जी किसका? ड्यू टू डाइपोल. तो बहुत आसान है, आप पोटेंशियल एनर्जी को यू से कर लेंगे तो माइनस पी ई कॉस थीटा पोटेंशियल एनर्जी. बहुत बार इसे ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, आप भी इसको लिखना जानिए, काम आएगा आपको भी. पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई, कभी कभी ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, क्या फर्क पड़ता है, डॉट प्रोडक्ट में तो इतना होगा. और कभी कभी टॉर्क में यहाँ पर भी क्या है? पी क्रॉस ई, दोनों में देखिए पोटेंशियल पी डॉट ई है, वो पी क्रॉस ई हो गया. चलिए पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर पूछेगा पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कितना होगा, तो मिनिमम माइनस पी ई हो जाएगा और कॉस थीटा इक्वल टू 1 पुट करेंगे. मतलब जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा, मतलब पी और ई अगर दोनों पैरेलल हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगा. और जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, मतलब पी इज एंटी पैरेलल टू ई हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा. अगर थीटा इक्वल टू मिनिमम है तो मोस्ट स्टेबल केस हो जाएगा.
और अगर ये मैक्सिमम है तो मोस्ट अनस्टेबल, मोस्ट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये मोस्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब थीटा इक्वल टू जीरो है तो मोस्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री है तो मोस्ट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो अगर एंगल बढ़ता जाएगा, इफ थीटा इंक्रीजेस, कितना जीरो 180 के करीब पहुंचता जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता चला जाएगा। जैसे इसको ले लीजिए, आपका ये पी है और सपोज कीजिए ई है, और एक ये ले लीजिए, आपसे पूछा बताइए कौन स्टेबल होगा, इसमें से कौन स्टेबल होगा, तो जिसकी ज़्यादा एंगल होगी वो उतना ही पोटेंशियल एनर्जी इसकी ज़्यादा हो जाएगा। यू ज़्यादा हो गया इस केस में, और इस केस में यू मिनिमम हो गया, तो ये स्टेबिलिटी। और जिसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा वो लीस्ट स्टेबल होगा, लीस्ट स्टेबल इफ यू मोर। ये सब क्या है, न्यूमेरिकल्स का एक पार्ट एंड पार्सल है, आप इसे बढ़िया से समझ लीजिएगा। हालांकि फॉर्मूला दो ही है, माइनस पी और वह पी क्रॉस ई। आपकी बात आ जाइए, कैपेसिटर पर आ जाइए, कैपेसिटर और जो छोटा मोटा फॉर्मूला होगा हम लोग यूज़ कर लेंगे न्यूमेरिकल जब बनाने लगेंगे। कैपेसिटर में क्या, बहुत आसानी से आ जाएगी, और एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, दूसरे पर निगेटिव आ जाता है, इसकी एरिया ए है, सेपरेशन डिस्टेंस डी है, और ये वैक्यूम है, इस पर चार्ज हमने प्लस दिया था, इस पर माइनस चार्ज। दिस इज कॉल्ड द फॉर्मेट ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है, और वो क्या होता है, क्यू जो इसके ऊपर चार्ज आएगा और इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी जो पोटेंशियल अप्लाई है, तो क्यू इक्वल टू सी वी, वेयर सी इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, जिसकी फरत होती है, सी इज कॉल्ड कैपेसिटर। बढ़िया बात है। नाउ पैरेलल प्लेट के लिए सी का वैल्यू क्या होगा, इप्सिलन नॉट ए बाई डी। ए क्या है, प्लेट एरिया, और डी क्या है, सेपरेशन बिटवीन देम, इसके लिए हो जाएगा। अगर इसको हम कंप्लीटली फिल्ड कर दें डायलेक्ट्रिक से, फिल्ड विद डायलेक्ट्रिक ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, अब बोलिए सी डैश कितना हो जाएगा, के से मल्टीप्लाई कर दीजिए एप्सिलॉन नॉट को, तो आपका कहने का मतलब क्या हो जाएगा, सी डैश इक्वल टू के सी, सी वैक्यूम के लिए, ये किसके लिए था, वैक्यूम के लिए हो गया, ये भी आप नोट कर लिए। लेकिन कभी कभी हो सकता है पार्ट फिलअप किया जाता है, ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसमें पार्ट फिलअप किया जाएगा, किससे फिलअप किया जाएगा, डायलेक्ट्रिक मीडियम से। जैसे इसे आप देख लीजिए, ये भी आसान सा क्वेश्चन है, ये देखिए हमने क्या किया, इस पोर्शंस को फिल कर दिए, किससे फिल कर दिए, के मीडियम से, तो ये थिकनेस क्या किया, टी दे दिया, बचा हुआ थिकनेस क्या हो गया, डी माइनस टी, और टोटल थिकनेस क्या हो गया, डी। प्लेट एरिया कितना था, इसकी प्लेट एरिया ले लीजिए, इसकी प्लेट एरिया ए हो गया, ये प्लेट एरिया ए हो गया हमारे पास। नाउ व्हाट इज, इसको C1 मान लीजिए और इसको C2 मान लीजिए, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, सीरीज में एडिशंस है, और जब इसका कैपेसिटेंस निकालिएगा तो इप्सिलन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के, इसको याद कर लीजिए। डेरिवेशन के लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं, अगर आपको डेरिवेशन भी जानना है तो हमारे नेक्स्ट वीडियो पर जाइएगा, जहाँ पर हम केवल और केवल थ्योरेटिकल आपको पढ़ा रहे हैं, हम तो यहाँ पर सम करते हुए चले जा रहे हैं। तो ये कैपेसिटेंस हो गया, मान लीजिए आपने इसमें दो प्लेट डाल दिया K1 और K2 का, तब क्या हो जाएगा, तब C इक्वल टू क्या हो जाएगा, इप्सिलन नॉट ए डी, डी तो रहेगा ही, माइनस कीजिए T1 प्लस T2, इसको अलग कर लीजिए, एक ग्रुप का हो गया, और उधर वाला को एक अलग ग्रुप में चले जाइए, T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2। ये कब के लिए, जब दो दो डायलेक्ट्रिक प्लेट को आप इंसर्ट कर दिए, दोनों की थिकनेस T1 T2 और दोनों का डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K1 K2। इस तरह से आप इसे आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट हो सकता है कि इसी कैपेसिटर में आपसे पूछ सकता है, वॉट इज फोर्स बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स, वॉट इज फोर्स बिटवीन द पैरेलल प्लेट। मान लीजिए कैपेसिटर ये है बच्चे लोग, एक कैपेसिटर ये है, इसके पास प्लस क्यू ले लो, इसे माइनस क्यू ले लो, पूछेगा बताइए फोर्स कितना लगा, पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगा, आप यही बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण क्या लगेगा, सिग्मा बाई टू इप्सिलन नॉट, और इसके कारण भी इसी डायरेक्शन में जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा बाई टू इप्सिलन, इसलिए ई टोटल कितना हो जाएगा, इन कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एंड परपेंडिकुलर नॉर्मल, दोनों को जोड़ दिए। नाउ व्हाट इज द फोर्स बिटवीन देम, फोर्स एक के कारण निकाल लीजिए, एक के कारण कितना हो जाएगा, इस सिग्मा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू ए एप्सिलॉन नॉट, इसके टर्म पर लिखेंगे तो हमारे पास इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, क्यू टू ए एप्सिलॉन नॉट, और इसके फोर्स पर लिख क्यू से गुणा कर दीजिए विथ माइनस, तो फोर्स इक्वल टू क्या हो गया, क्यू स्क्वायर टू ए एप्सिलॉन, दो पैरेलल प्लेट के बीच में जो फोर्स लगता है, माइनस साइन क्या शो करता है, निगेटिव अट्रैक्टिव फोर्स है, मतलब दो प्लेट के बीच में ये फोर्स लगेगा, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, बहुत आसानी से निकल गया, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो गया। नाउ नेक्स्ट एनर्जी पूछता, व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड, इसके लिए क्या फॉर्मूला होता, हाफ सी वी स्क्वायर, एक और फॉर्मूला होता हाफ
क्यू स्क्वायर बाई सी, एक और फार्मूला होता है हाफ क्यू इंटू वी, जरूरत के मुताबिक तीनों में से कोई फार्मूला यूज कीजिए। एक एनर्जी डेंसिटी पूछता है, व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी, तो दैट मस्ट बी इक्वल टू किस बात के लिए एनर्जी डेंसिटी, कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है, एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और इस फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलन नॉट इंटू ई स्क्वायर, और अगर कोई डायलेक्ट्रिक रहेगा तब क्या हो जाएगा, हाफ के एप्सिलन नॉट ई स्क्वायर विथ के, डायलेक्ट्रिक रहेगा तो के, ये एनर्जी डेंसिटी होगा। इसलिए आपका पैरेलल प्लेट पर बहुत सारे पोर्शन निकल गया। अब एक हम लोगों को पढ़ना है, छोटा सा पोर्शन है स्फेरिकल कैपेसिटर, जो स्फेरिकल साइज में रहेगा तब क्या करेंगे, सिंपल इसे देखिए, सिंपल क्वेश्चन से ये भी मान लीजिए एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, इसको दोनों से घेर दीजिए, ये आपका आर वन हो गया, ये रेडियस आर टू हो गया, इसे निगेटिव दे दीजिए और इसे पॉजिटिव चार्ज दे दीजिए, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज निगेटिव। अब आपके पूछेगा बताइए इसकी कैपेसिटेंस क्या है, तो आप याद रखिएगा सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर पाई एप्सिलन नॉट आर वन आर टू डिवाइडेड बाई आर टू माइनस आर वन, इन दोनों सेटअप का। और अगर सिर्फ एक ही रहेगा, मान लीजिए सिर्फ आर वन ही रहेगा, तब कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, फोर पाई एप्सिलन नॉट आर वन, दोनों का समझ लीजिए। अगर दो रहेगा और खास करके बाहर अर्थिंग रहेगा, अंदर चार्ज रहेगा, तो ये कर दीजिएगा। लेकिन अगर आपके पास कुछ इस तरह से आता है कि नहीं उल्टा करके आता है, जैसे इसको देख लीजिए, इसमें क्या कीजिएगा, मान लीजिए इसकी रेडियस ए है, इसकी रेडियस बी है, हम रेडियस बदल दिए, और यहाँ पर क्या है कि इसको पॉजिटिव कर दिया और इसको अर्थिंग कर दिया, अब आप क्या कीजिएगा, सी का वैल्यू 4 पाई एप्सिलन नॉट, दोनों का ए और बी का आप वहाँ पर देख रहे हैं जो बड़ा वाला साइज है उसको कर दीजिए, और नीचे में बी माइनस ए रख दीजिएगा। ये फॉर्मूला को आप याद रखिए, कब के लिए, जब बाहर वाला पॉजिटिव चार्ज है, अंदर अर्थिंग है, तो 4 पाई एप्सिलन नॉट बी स्क्वायर, ये दोनों को बराबर कर दिए ए बी, तो बी स्क्वायर और नीचे सही है बी आर टू माइनस आर वन, दैट इज ए बी माइनस वन। इस तरह से आपके पास हम कर सकते हैं कि कैपेसिटेंस हो गया। तो मेरे पास बेसिक फॉर्मूला जो भी था हम आपको एक तरफ से लिख दिया, ये नहीं कहते हैं कि सब चीज़ आपको बता दिए होंगे, कुछ फॉर्मूला अगर छूट भी रहा होगा तो क्या दिक्कत है, पूरा सीरीज तो हमारे साथ ही डिस्कशन होना है ना, वहाँ पर मैं देख के इसे बता दूंगा। लेकिन एक बात तय है, किसी भी स्थिति में नीट के लिए इससे क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। अभी एग्जाम नहीं हुआ है, आज 7 जून है, आपकी एग्जाम जुलाई मंथ में होने वाला, आप देख लीजिएगा कि क्या मैंने जो बताया था उससे बाहर की क्वेश्चन आया है, और अगर नहीं आया है तो आप इसे रिकमेंड करते जाइए, सभी लोगों को बताइए, अपने साथी लोगों को बताइए, क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपने लाखों रुपया खर्च करके जो शिक्षा पाई उसको मैं बिना पैसा लिए हुए आपको बता रहा हूँ, तो ये आपके लिए मेरी क्रेडिट जाता है। इसलिए आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि आपने सभी साथियों लोगों को ये बताइए कि हाँ घर बैठे फिजिक्स को सीखा जा सकता है और फिजिक्स पर डोमिनेट किया जा सकता है। कल मैं सारे क्वेश्चंस के साथ आपके पास आता हूँ, तब तक के लिए आपके लिए रेस्ट है एंड गुड डे।